जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज आपके लिए लेके आए हैं डिस्कनेक्शन का पांचवा वीडियो, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन ग्रुप कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन इन अल्कोहल्स। तो आइए जानते हैं कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन इन अल्कोहल के फीचर्स या कंडीशन के बारे में। इन अल्कोहल्स टू टाइप्स ऑफ डिस्कनेक्शन अकर, 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब आपका टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल होगा, तो वहाँ पर आप उसको दो तरह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। पहला रहेगा 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन और दूसरा रहेगा 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। इन 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड नेक्स्ट टू OH ग्रुप इज ब्रोकन। बच्चों आपको ध्यान रखना है, हम लोग डिस्कस भी करेंगे एग्जांपल के साथ, कि अगर अल्कोहल में जिस कार्बन पे OH लगा है उस पहले कार्बन से आप नेक्स्ट कार्बन को तोड़ सकते हैं 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में। इन 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड नेक्स्ट टू कार्बन हैविंग OH ग्रुप इज ब्रोकन। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जिस कार्बन पे OH लगा है उससे दूसरे कार्बन के बाद आप बॉन्ड तोड़ेंगे। कीप इन माइंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड एस्टर्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों यहां पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड और एस्टर से करके अल्कोहल कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराया है और हमारा बन गया है अल्कोहल। ऐसे ही हमने यहाँ पर इपोक्साइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराया और हमारा बना अल्कोहल। और तीसरा है, हमने यहाँ पर लिया हुआ है एस्टर और एस्टर का रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, 2 मोल यहाँ पे कंज्यूम होते हैं और उससे हमारा बन जाता है अल्कोहल। जिन लोगों को यहाँ पर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में जानना है कि भाई रिएक्शन कैसे होता है, तो उनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमारा एक वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख के आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ आपको, ये 3 रिएक्शन आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि डिस्कनेक्शन में आपको यूज करनी होती है। ड्यूरिंग डिस्कनेक्शन कीप पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन विच कंटेन्स OH ग्रुप इन द फ्रेगमेंट वाइल नेगेटिव चार्ज ऑन अनदर कार्बन टू फॉर्म सिंथन्स। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्कनेक्शन चाहे 1-1 कार्बन कार्बन हो या 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन हो, वहाँ पर ऐसा फ्रेगमेंट जिसमें OH ग्रुप लगा होता है उस पर आप हमेशा पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे और दूसरे पार्ट पे जिसमें OH नहीं है उस पर आप नेगेटिव चार्ज लगाएंगे और उससे आपको सिंथन मिल जाएंगे। ये एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप जानते हैं हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है वो फर्स्ट कार्बन है और फर्स्ट कार्बन के बाद अगर आप बॉन्ड तोड़ते हैं कार्बन कार्बन के बीच वाला, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, ये कहलाएगा 1-1 CC डिस्कनेक्शन। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि जब यहाँ से ये कट होगा, डिस्कनेक्ट होगा, तो एक फ्रेगमेंट यहाँ से CH3 बाहर जाएगा और एक फ्रेगमेंट यहाँ से बाहर जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि पॉजिटिव पार्ट किस पे आएगा और नेगेटिव पार्ट किस पे आएगा। तो हमने डिस्कस किया कि सिंथन बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जिस कार्बन पे OH लगा है उस पे आप हमेशा लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे वाले फ्रेगमेंट पे जिसमें OH ग्रुप नहीं होता है उस पे हम लोग लगा देंगे नेगेटिव चार्ज। ये बना है हमारा सिंथन 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के बाद। अब एक दूसरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है तो OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। इस कार्बन से अगर काउंटिंग करें तो 1-2 यहाँ पर बनता है और 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में आपको दूसरे कार्बन के बाद ही बॉन्ड ब्रेक करना है CC डिस्कनेक्शन के लिए। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर डिस्कनेक्शन करेंगे तो ये 1-1 डिस्कनेक्शन में जाएगा, यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगा। लेकिन जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है उससे दूसरे कार्बन के बाद अगर आप कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ते हैं तो वो कहलाता है 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो ये फ्रेगमेंटेशन हमने यहाँ से किया, डिस्कनेक्शन किया, तो एक पार्ट यहाँ से ये मिलेगा, एक पार्ट ये मिलेगा। आप देखिए कि जिस पार्ट पे OH ग्रुप लगा है उस पार्ट पे चार्ज कौन सा आएगा, सही बोला आपने, पॉजिटिव चार्ज आएगा सर। और जिस फ्रेगमेंट पे जिस पर OH नहीं है उस पे चार्ज आएगा नेगेटिव। तो ये हमारे बन गए हैं सिंथन 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के बाद।
अभी दो कंडीशन और हैं बच्चों, इनको भी आपको ध्यान रखना है। एड MgBr टू एनायनिक पार्ट एंड कन्वर्ट कैटायनिक पार्ट टू कार्बोनिल ग्रुप बाय रिमूवल ऑफ H एटम टू गेट सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स इन 1-1 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन। आपको ध्यान रखना है कि सिंथन के बाद आपको बनाना होता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। तो अगर आपका 1-1 कार्बन डिसकनेक्शन हो रहा है तो आप एनायनिक पार्ट को जहां पर कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है उसमें MgBr जोड़ देंगे, और आपका जो कैटायनिक पार्ट है जहां पे OH ग्रुप था उस फ्रेगमेंट को आप कन्वर्ट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड में H एटम निकालने के बाद। अब देखिए 1-1 कार्बन डिसकनेक्शन का तो बात हो गया है, अब बात करते हैं 1-2 कार्बन डिसकनेक्शन में सिंथन को कैसे बदलेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स में। कन्वर्ट कैटायनिक पार्ट टू इपोक्साइड बाय रिमूवल ऑफ 2H एटम टू गेट सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स इन 1-2 कार्बन डिसकनेक्शन। आपने 1-1 कार्बन डिसकनेक्शन में सिंथन से निकाले था 1H, लेकिन 1-2 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन में आप निकालेंगे कैटायनिक पार्ट से 2H एटम और उसको कन्वर्ट करेंगे कोरस्पोंडिंग इपोक्साइड में। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, सब कुछ क्लियर होगा एग्जाम्पल के साथ। तो आइए जानते हैं ये सब फीचर्स कैसे और कहाँ लगाते हैं। गिव द सजेस्टेड सिंथेसिस फॉर द गिवन टारगेट मॉलिक्यूल। आपको फर्स्ट और सेकंड दो टारगेट मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स के लिए आपको डिसकनेक्शन थ्योरी यूज करना है और उस डिसकनेक्शन के बाद आपको बनाना है प्रोपोज और सजेस्टेड सिंथेसिस। तो आइए बच्चों लेते हैं पहला स्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि यहाँ पर जिस कार्बन पे OH लगा है वो फर्स्ट कार्बन होगा, और अगर आप फर्स्ट कार्बन के बाद कोई भी कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं तो वो 1-1 CC डिसकनेक्शन होगा। अगर आप ये वाला तोड़ें या ये वाला तोड़ें या ये वाला तोड़ें तो ये तीनों पॉसिबिलिटी ही 1-1 कार्बन डिसकनेक्शन होगा। तो हमने केवल यहाँ पर दिखाया हुआ है, उसके बाद आपको दो फ्रेगमेंट दो टुकड़े मिलेंगे, यहाँ से CH3 और यहाँ से ये वाला पार्ट निकलेगा। आपको पता है कि जिस फ्रेगमेंट में OH ग्रुप लगा है वहां पर आपको लगा देना है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे वाले पार्ट में फ्रेगमेंट में जहां पर OH ग्रुप नहीं है वहां पे लगाएंगे नेगेटिव चार्ज। ये बन गया हमारा सिंथन। आपने ये भी सीखा था कि अगर आपका एनायनिक पार्ट है तो एनायनिक पार्ट में आप MgBr जोड़ के बनाएंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब यहां पर आइए सर, यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका कैटायनिक सिंथन है इसमें क्या कीजिएगा। तो आप देखिए यहां पर ये वाला H एटम आप बाहर निकाल दीजिए, और जब ये वाला H एटम निकल जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल। तो ये बन गया हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, बोले तो कीटोन। तो ये हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट बने हैं आफ्टर 1-1 कार्बन डिसकनेक्शन इन एल्कोहल। क्लियर है आपको, ये हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट कीटोन है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा हमारा एल्कोहल। अब बच्चों ध्यान रखिए, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ ऐसे। हमने लिया ब्रोमोमेथेन, उसका रिएक्शन मैग्नीशियम से कराया थर की प्रेजेंस में, तो ये हमारा बन गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारा GR हो गया है। और उसके बाद हमने कीटोन से जैसे ऊपर कराया था तो ये वाला स्टेप भी हमने यहाँ पर खोल दिया है। क्लियर है बच्चों, तो इस तरह आप ये वाला फिर या ये वाला कोई भी सजेस्टेड सिंथेसिस में लिख सकते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं सेकंड मॉलिक्यूल की। ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, इसमें हमको पहले डिसकनेक्शन करना है और फिर हमको बनाना है इसका सजेस्टेड सिंथेसिस। तो आइए कैसे करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है उसको फर्स्ट नंबर दिया है, उसके अगले वाला 2 होगा, और आपको यहाँ पे 1-2 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन करना है तो दूसरे कार्बन के बाद ही फ्रेगमेंटेशन करेंगे। अगर आपने पहले किया तो वो कहलाएगा 1-1 CC डिसकनेक्शन। अब यहाँ पर एक फ्रेगमेंट यहाँ से कुछ ऐसा मिलेगा, एक फ्रेगमेंट ये मिलेगा। तो आपको पता है कि जिस फ्रेगमेंट में OH ग्रुप होता है उस पर लगाते हैं कार्बन पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इसमें आपको जो फ्रेगमेंट मिला है इसमें आपका OH ग्रुप नहीं है तो उस पर लगाया हमने माइनस चार्ज, तो ये हमारा एनायन बन गया, ये हमारा कैटायनिक फ्रेगमेंट बन गया है। अब ये हमारे हुए सिंथन आफ्टर 1-2 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन। अब हम लोग जाएंगे फॉर सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। अब थोड़ा यहाँ पर याद कीजिए, आपके साथ डिस्कस किया था कि एनायनिक पार्ट चाहे 1-1 कार्बन डिसकनेक्शन का हो या 1-2 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन का हो, वहां पर केवल आपको लगाना है MgBr। क्लियर है, लेकिन सर ये जो हमारा कैटायनिक पार्ट है यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज हुई थी, थोड़ा याद कीजिए। आपको बताया था कि अगर 1-1 कार्बन डिसकनेक्शन है तो वहां पर आप कैटायनिक पार्ट से एक H निकालेंगे, लेकिन अगर आपका 1-2 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन है तो यहाँ पे आपको 2H निकालने पड़ते हैं। तो बच्चों एक H यहाँ से निकाला
और एक एच यहां से निकाला तो यहां पे बचेगा सी एच, यहां बचेगा सिंगल बॉन्ड ओ। इन दोनों को आप कनेक्ट कीजिए, देखिए क्या बनेगा। तो जब हम इसको यहां से ओ को इस सी एच के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारा बनेगा कोरस्पोंडिंग इपोक्साइड। ये देखिए ये हमारा बन गया है इपोक्साइड और ये हमारा बन गया है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब बहुत ही सिंपल है इस टारगेट मॉलिक्यूल के लिए सजेस्टेड सिंथेसिस को लिख पाना। बच्चों ये है इस टारगेट मॉलिक्यूल का सजेस्टेड सिंथेसिस। बच्चों आज हमने सीखा 1-1 कार्बन डिस्कनेक्शन, 1-2 कार्बन डिस्कनेक्शन इन एल्कोहल्स। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो एल्कोहल का क्वेश्चन डिस्कनेक्शन में कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।